मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही भर जावे, मन नहीं भरता। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे लाल सिंह चड्ढा के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस, ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आमिर खान की आखिरी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान थी, जो 4 साल पहले 2018 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी डिजास्टर रही थी। दिवाली रिलीज होने के कारण इस फिल्म ने पहले दिन में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 52 करोड़ 25 लाख का नेट कलेक्शन किया था, लेकिन वीकेंड के बाद इस फिल्म ने दम तोड़ दिया था। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फिल्म को भी आमिर खान ने 2 साल दिए थे, जबकि लाल सिंह चड्ढा को 4 साल लग गए, जिसमें से अगर 1 साल कोविड का हटा दिया जाए तो 3 साल होता है, यानी कुल 6 साल में आमिर खान की 2 फिल्में ही रिलीज हुई है। एक ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो डिजास्टर हुई थी, वहीं दूसरी फिल्म लाल सिंह चड्ढा का हालत भी बहुत खराब दिख रहा है। इस फिल्म को कई क्रिटिक से नेगेटिव रिव्यूज मिले, ऊपर से इस फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन भी कुछ खास नहीं आए। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस फिल्म के पहले दिन का जो अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन निकल कर सामने आया है वो है 12 करोड़ 40 लाख का, यानी इस फिल्म ने अपने पहले दिन में लगभग 12 करोड़ 40 लाख का नेट कलेक्शन किया, तो लगभग 15 करोड़ 10 लाख का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 1 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन किया। कुल मिलाकर इस फिल्म ने अपने पहले दिन में लगभग 16 करोड़ 70 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन की, तो दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन में काफी गिरावट दिखने वाली है। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ऑक्यूपेंसी पहले दिन से भी कम दिख रही है। नेगेटिव रिव्यूज के चलते इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ भी कुछ खास नहीं है, इसलिए इस फिल्म की स्पॉट बुकिंग भी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। ये फिल्म अपने दूसरे दिन में इंडिया में लगभग 6 से 8 करोड़ के रेंज में नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट लगभग 150 से 80 करोड़ के रेंज में है। तो दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देख लिया तो आपको ये फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने फिल्म नहीं देखा है तो आप क्या इस फिल्म को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी ही बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।